डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्किल। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो आप जो इस चैनल पे रेगुलर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये 10th 12th सबकी क्लासेस चल रही है, लेकिन अभी जो हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट कौन सा है भाई? साइंस है, जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग नाम बताते जरा, तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोगों ने ढंग से सब चीजों को थ्योरेटिकल को अच्छे से कॉरिलेट्स किया है, अच्छे से चीजों को पढ़ा है, समझा है, जाना है। अब हम लोगों को जो मेन काम है वो एनसीईआरटी के जो पीछे वाले क्वेश्चंस, जो अभ्यास के तौर पे लिखा हुआ क्वेश्चंस है, उसे हमें करना है, समझना है। जैसा कि याद है, हम लोगों ने छठे नंबर तक के क्वेश्चंस को किया है अभ्यास वाले प्रश्न का। तो चलिए अब आप सातवें क्वेश्चन से किसका भाई? तो अभ्यास का प्रश्न। किस चैप्टर से? तो प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन वाले चैप्टर से। देख लीजिएगा ये कितने नंबर चैप्टर में है, उसका अभ्यास का सातवें नंबर क्वेश्चन। जिसके पास बुक हो तो अच्छी बात है, क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके पास नहीं है, हम चाहते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए, फिर हम आंसर को समझाएंगे, लिखवाएंगे, बताएंगे। तो क्वेश्चन लिखा जाए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग, एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, पूर्णविराम, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्वेश्चन मार्क्स प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो क्वेश्चन मार्क्स प्रतिबिंब अलग है, इसलिए लिखवा रहे हैं, प्रतिबिंब बिंब से दोनों अलग अलग है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। उसके बाद इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए, चलिए क्वेश्चन बोल रहे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला
अवतल दर्पण है। आप देख पा रहे होंगे सवाल बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी का एक अवतल दर्पण है और उस दर्पण से हमको रिलेटेड क्या सवाल बोल रहा है कि इस दर्पण का उपयोग करके हमें किसी भी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहिए। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है भाई कि हमें सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहिए, कंडीशन है। फिर बोल रहा है कि वो कहां रखना चाहिए, वस्तु को कहां रखेंगे कि अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बने और उससे उस स्थिति में रखने पर उसका प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो इसका आरेख भी खींच रहा है, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले मान लिया कि एक अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में बाहर वाला जो कर्व होता है वो पेंट किया होता है, पेंट कर दिया, ठीक है। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं। अब इसमें एक सेंटर होता है जिसको ध्रुव कहते हैं और इसका वक्रता केंद्र होता है जिसको सी बोलते हैं, फोकस दूरी एफ होता है, फोकस एफ होता है। तो आपको अब याद आना चाहिए कि अवतल दर्पण में ये है कौन सा भाई, तो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में बस किसी भी बिंब को कहां रखा जाए कि उसका जो इमेज है वो सीधा प्राप्त हो। तो सीधा प्राप्त करने के लिए आप वस्तु को कहां रखना चाहिए आपको, तो पी और एफ के बीच रखा जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, पी और एफ के बीच किसी वस्तु को रखेंगे तब जाकर हमें सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इसका जरा डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा देख लीजिए। तो यहां से अगर एक रे अगर निकलेगा, एक रे अगर निकलेगा तो टकराने के बाद सीधा किससे होकर गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। सॉरी थोड़ा लाइन टेढ़ा हो गया, देख पा रहे होंगे अच्छे से देख लीजिए इन चीजों को। क्या बोला गया कि जब फोकस से होकर गुजरेगा और अगर मान लिया कि एक सेंटर से होकर, जैसे मान लिया कि एक लाइन उसको हम लोग ब्लू से दिखाते हैं ऐसे, वो पार हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर वो सेंटर से होकर गुजरता है तो वो सेंटर से मतलब कि सेंटर से क्या होता है तो मतलब कि अपना लाइट को मोड़ता नहीं है। अगर सेंटर से गुजारेंगे ना तो सेंटर पे ही वापस लौट जाएगा, इसलिए दोनों एरो मारा गया है। अब आप देख पाएंगे कि दोनों जो किरणें हैं, सपोज दैट ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप पेंसिल से बनाइए, इंच की सहायता से बनाइएगा, सीधा बनेगा, ठीक है। आप देख पाएंगे कि ये दोनों लाइन्स को पीछे की ओर बढ़ाया जाए, इट मींस ऐसे, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया जाए, देख पा रहे होंगे यहां आके लड़ रहा है, तो हम इसी को बोल देंगे कि इमेज है ए डैश बी डैश। तो अब आपको सब कुछ पता चल गया कि इसका जो आरेख खींचना था कुछ इसी तरीके से कि वस्तु को जब हम P और F के बीच रखते हैं तो इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से, क्योंकि ये हो गया मेरा प्रतिबिंब, ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गया मेरा वस्तु, ये भी क्या हो गया वस्तु, ठीक है। तो हमेशा प्रतिबिंब का जो साइज बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। हालांकि इसका उत्तर में अभी आरेख नहीं बनाएंगे, अभी इसका जो सातवां का उत्तर है वो अभी हम बोल के लिखवाएंगे, उसके बाद ये डायग्राम को बनाना है। ये डायग्राम जो नीचे दिख रहा है उसको बाद में बनाना है, पहले उत्तर लिखा जाए। तो चलिए इसका आंसर लिखा जाए, लिखेंगे अवतल दर्पण में
बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए बिंब को ध्रुव तथा फोकस के बीच रखना चाहिए। मुख्य फोकस के बीच रखना चाहिए और बिंब को 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना चाहिए और बिंब को 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना चाहिए ताकि प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो तथा बड़ा हो। ताकि प्रतिबिंब आभासी हो, सीधा हो तथा बड़ा हो। देखिए, हाँ, एक और क्वेश्चन बोल रहा था, बताना भूल गया था कि 15 सेंटीमीटर उसका फोकस दूरी था, तो 15 सेंटीमीटर मान लिया कि यहां तक होता, तो 15 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा दूरी पर रखेंगे तो एक पर बनेंगे, सी पर, ऐसे अगर इधर अगर आते जाएंगे तो वो तो और इमेज का साइज इधर बनता जाएगा और फिर धीरे धीरे जो इसका साइज है छोटा बनते जाएगा और फिर इधर बनेगा तो वास्तविक भी बनने लगेगा। यही कारण है कि 15 सेंटीमीटर से उससे कहां रखना चाहिए, कम दूरी पर रखना चाहिए ताकि उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बने, बड़ा बने और आभासी बने। ठीक है, अब इसका आंसर लिख लिए हम लोग। अब उसके नीचे अंत में बोल रहा था कि इसका आप आरेख बनाइए। ठीक है, तो इसका आरेख ये हुआ। आप इसको उसी आंसर में, यानी कि सतवा का ही ये आंसर है, इस आरेख को उसके आंसर में आपको उसके नीचे बना देना है। ठीक है, तो अच्छे से फ्रेश दिख रहा है, आप उसके नीचे इस फिगर को बना दीजिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको इसमें बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है, देर लग रहा है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक कर आप इन चीजों को बना लीजिए। फिलहाल हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा जाए, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण के प्रकार बताइए। पहला क्वेश्चन, यानी कि आठवां प्रकार बताइए के बाद नीचे से ए बी सी करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आठवां का ए नंबर हम देंगे, लिखेंगे किसी कार का अग्रदीप। ए में लिखेंगे किसी कार का अग्रदीप। बी में सवाल लिखेंगे किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, और सी नंबर में लिखा जाए सौर भट्टी। चलिए
उसके बाद जरा हम लोग करते हैं आठ नंबर सवाल को। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तीन कंडीशन दिया हुआ है, आठवां में तीन क्वेश्चन है, नंबर ए बी सी, ठीक है। अब ये जो तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और ये बताना है कि उसमें कौन कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है, उसमें कौन कौन सा दर्पण का व्यवहार किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये है कि कार का अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब क्या, हेडलाइट, जैसे रात हो जाता है हम लोग हेडलाइट जला के नहीं चलते हैं, आगे का लाइट, तो उसमें कौन सा दर्पण यूज किया रहता है। हम लोगों ने सबके बारे में पढ़ा दर्पण में कि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं, ठीक है। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने डीपली अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो बोल रहे सवाल कि किसी कार का जो अग्रदीप है, हेडलाइट है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उसका सिर्फ आपको बता देना, आंसर लिख देना है। तो पहला का जो आंसर होगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। तो पहला का उत्तर क्या होगा, अवतल दर्पण। यानी कि सीख जाइए, हमेशा याद कर लीजिए कि गाड़ी का जो हेडलाइट उसमें होता है अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा सवाल बोल रहा है कि किसी गाड़ी का, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, पश्च का मतलब क्या होता है, पीछे वाला भाग, और दृश्य का मतलब वही भाग, यानी पश्च का मतलब पीछे वाला, दृश्य का मतलब भाग और दिखाई पड़ना, पश्च दृश्य दर्पण, दर्पण का मतलब देखना, ठीक है। तो ऐसा कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है जो वाहनों में पीछे वाली दृश्य को देखने में यूज किया जाता है, वही ना, गाड़ी के जो साइड में रहता है, गाड़ी के जो साइड में, बाइक के दोनों नहीं रहता है दर्पण, शीशा लगा हुआ, यानी कि वो कौन सा दर्पण होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो उत्तल दर्पण होता है। तो याद कर लीजिएगा कि पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि साइड मिरर उसको बोलते हैं। देखिए गाड़ी का जो लाइट होता है ना आगे का, जो रात में जलाया जाता है हेडलाइट, वो हो गया अवतल, और गाड़ी का जो साइड में यूज किया जाता है उसको साइड मिरर बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको साइड मिरर, हिंदी में पश्च दृश्य दर्पण, ठीक है। तो उसमें हम लोग यूज करते हैं कौन सा दर्पण का, उत्तल दर्पण, हमेशा याद रखिएगा इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और तीसरा बोल रहा है कि सौर भट्टी में, जी हाँ आपको पता होना चाहिए, सौर भट्टी हो या सौर कुकर में खाना बनाने वाला बात हो, इसमें हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं, हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो होगा सी वाला का, अवतल दर्पण, ठीक है। यानी कि सौर भट्टी में या सौर कुकर में जो इस्तेमाल होता है दर्पण, आपको हम पढ़ाए हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो आठवां नंबर का तीन सवाल था ए बी सी, उसमें दर्पण बताना था कि कौन सा दर्पण का प्रयोग करना है, सॉरी किया जाता है, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन लिखने के बाद भी आप आंसर लिख सकते हैं, ए का क्वेश्चन फिर उसका आंसर, फिर बी का क्वेश्चन फिर आंसर, या फिर तीनों क्वेश्चन जब लिख लिए तो तीनों का फिर एक साथ आंसर लिखना पड़ेगा, ए का आंसर, बी का आंसर, सी का आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने आठ नंबर के क्वेश्चन को किया। चलिए आगे बढ़ते हैं नवा क्वेश्चन की तरफ। तो नवा क्वेश्चन बोलते हैं और फिर आप खुद मिलाएंगे, अगर आपके पास किताब है तो, फिर अगर नहीं है तो लिखिए क्वेश्चन। लिखा जाए किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है,
पूर्ण विराम, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? क्वेश्चन मार्क्स अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए तथा अपने प्रेक्षण की भी व्याख्या कीजिए चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और समझने वाला सवाल है। 9वां नंबर क्वेश्चन बोल कह रहे हैं, जरा इसको मिटाते हैं फिर समझ में आएगा हम लोगों को। चलिए अब जरा इन चीजों को देखिए कि क्या होता है। सबसे पहले बोल क्या रहा है कि एक उत्तर लेंस है भाई, और उत्तर लेंस का जो आधा भाग है वो काला कागज से ढक दिया गया है। दिखाते हैं हम आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में। एक उत्तर लेंस लिया गया है, ऐसा ही ना होता उत्तर लेंस, भूले तो नहीं कहो। ये है कौन सा लेंस? उत्तर लेंस, ठीक है। अब उत्तर लेंस का बोल रहे कि आधा भाग जो है काला कागज से ढक दिया गया। आधा भाग किसको कहेंगे? जरा आप सोचिए कि आधा भाग हम लोग किसको कहते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो उत्तर लेंस है उसका आधा भाग हम उसी को कहेंगे जिससे होकर प्रधान अक्ष गुजरता है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र जो होता है वो लेंस का बीच का भाग होता है, पता है ना। अब जब लेंस का बीच वाला भाग होता है प्रकाशिक केंद्र, तो उसको अगर आधा आधा बांट देंगे तो एक हो जाएगा आधा भाग ऊपर, एक हो जाएगा आधा भाग नीचे। यानी कि हम इसको ऐसे समझ रहे हैं कि मान लिया कि इसका प्रकाशिक केंद्र ये है, देख पा रहे होंगे ओ, ठीक है। अब ये जो लाइन गुजरता है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, यही ना। और आपको पता है कि उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, लेंस के बारे में आपको पता है कि दो गो फोकस होता है और दो गो वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि दोनों पृष्ठ इसका कैसा है? गोलीय है। तो एक इस तरह का गोल है तो इसका सेंटर इधर होगा, और एक इस तरह का गोल है, इस तरह का गोल है तो इसका सेंटर केंद्र इधर होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों इसका जो सेंटर बनता है, यहां पे C1 बनता है, यहां पे सपोज दैट फोकस बनता है, यहां पे F2 बनता है फोकस, यहां पे बनता है C2। आपको पता होना चाहिए कि इस C1 को 2F1 भी कहते हैं, क्योंकि R होता है, C1 से लेकर O तक की दूरी R होता है और R का फॉर्मूला 2F होता है, और इसको भी हम लोग 2F2 बोल सकते हैं, ठीक है। सवाल क्या बोल रहे हैं वो जरा समझिए कि कोई उत्तर लेंस तो है, अब इस उत्तर लेंस को आधा भाग जो है काला कागज से ढक दिया गया है, यानी कि इधर से ढक दिया गया है काले कागज से। तो जो ढका गया है उसको हम लोग दिखाते हैं कि ये काला कागज से ढक दिया गया है। देखिए इन चीजों को ढक रहे हैं हम,
ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अच्छा से। तो ये जैसे सवाल बोला वैसे ही हम काम किए हैं, बोला कि एक उत्तल लेंस का आधा भाग जो है आप ढक दो, तो हम ढक दिए। अब जब ढक दिए तो कोई भी प्रकाश किरणें यहां से तो गुजरेगा नहीं भाई, जब भी गुजरेगा तो ऊपर से ही गुजरेगा। तो सवाल यही बोल रहा था कि क्या आधा भाग से कोई चीजें दिख पाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आप सोचो ना यार, सिंपल सा भाषा में हम समझाते हैं सवाल कौन सी बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है कि ये जो लेंस है ना, इसमें दो गो शीशा है, एक ऊपर वाला दिख रहा है, एक नीचे दिख रहा है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसका आधा भाग को ढक देते हैं शीशा के, ये जो पूरा शीशा है देख पा रहे हैं ना, ये जो देख पा रहे हैं हाँ, तो इसका आधा भाग को हम ढक दे रहे हैं। तो क्या आधा भाग से नहीं आपको दिखेगा, सिंपल सा बात है। तो वही तो सवाल भी बहुत अजीब है, और आप उसको पढ़ते भी हैं तो लगता है कि क्या काला कागज से ढका जा रहा है, यू फलना ढेकना सवाल कुछ नहीं बोल रहा है कि लेंस को आधा ढक दिया गया है तो क्या प्रतिबिंब बनेगा। अरे आपको नजर आएगा वस्तु तो तुम ऊपर से देखो, आराम से बनेगा। यानी कि इसका जरा हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। मान लिया कि कोई वस्तु है, यहां पे एक एबी नाम का कोई वस्तु है, ठीक है। और इससे हम लोग तो जानते ही है ना भाई, क्या जानते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो यहां के बाद फोकस से होकर गुजरेगा, ये हम लोग डायग्राम में जानते हैं। यानी कि यहां के बाद ऐसे लौटेगा। एक और डायग्राम होता था कि प्रकाशिक केंद्र से गुजरता था, तो तुम भाई प्रकाशिक केंद्र से तुम नहीं गुजारो, तुम जरा ऊपर से गुजारो। जैसे मान लिया कि हम यहां से गुजारेंगे, तो यहां से गुजारे तो हो सकता है कि और थोड़ा सा वो नीचे आकर कटे, यहां आकर कटे। तो हमको यहां से पता चला कि ए जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश इमेज बन रहा है। यानी कि यही था सवाल कि आप जो है ना एक प्रयोग करो, एक प्रेक्षण करो, और आप देखो, आप पता करो कि अगर कोई उत्तल लेंस का आधा भाग ढक दिया जाता है तो क्या प्रतिबिंब बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसका उत्तर में लिखेंगे हां, आंसर में क्या लिखेंगे हां, कॉमा कॉमा निम्नांकित निम्नांकित प्रयोगों द्वारा या आरेख द्वारा यह स्पष्ट है कि किसी उत्तल लेंस के आधे भाग को काले कागज से ढका जाए तो, उसके बाद लिख लीजिएगा, ढका जाए तो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और ये लिखने के बाद आप उसके नीचे इस डायग्राम को बना दीजिएगा। समझ रहे चीजों को, पहले ऊपर लिखना है हां कॉमा निम्नांकित प्रयोगों द्वारा या आरेख द्वारा यह स्पष्ट है कि किसी उत्तल लेंस के आधे भाग को अगर काले कागज से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब जो है बनेगा। आप दिख पा रहा होगा आपको इस डायग्राम में, इस आरेख में, इस प्रेक्षण में, इस प्रयोग में, ठीक है। तो इतना चीज लिखने के बाद इस जो डायग्राम है इसको उसके नीचे बना दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे ये वाला जो रे गुजारे है ना, थोड़ा सा नीचे गुजारे हैं, क्योंकि ओ से नहीं गुजारते हैं, क्योंकि ओ से अगर गुजरता तो आर पार ही नहीं होता, क्योंकि यहां पे तो ढका हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा ऊपर गुजारेंगे तो थोड़ा सा मुड़ेगा, क्योंकि ओ से अगर पास करता तब नहीं ना वो मुड़ता। समझ रहे चीजों को ना। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 9 तक के डिस्कस हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक के सवाल को डिस्कस किया। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।